बीजेपी ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਦੱਲੇ ਵਰਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਪਾਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਉਹਦੀ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਦਰਜ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੇਥੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਮੇਥੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਚਾਚਕ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਮੇਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਹੂੰਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दोस्तों आज सिख संगत के सामने एक बहुत बड़ा सियासी तूफान खड़ा हो चुका है और इस सियासी तूफान के अंदर वो किसको सही माने किसको गलत माने ये उनके सामने एक बड़ा सवाल है। लेकिन आज के मेरे इस वीडियो से आपको इस सियासी तूफान के अंदर समझने के अंदर काफी सारी आसानी होगी कि यहाँ पर कौन इल्जाम लगा रहा है किसके ऊपर इल्जाम लग रहे हैं और किस तरह से इल्जाम लग रहे हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से सामने चार धिरें आती हैं। एक आती है सुखबीर सिंह बादल की धिर, दूसरा नाम आता है विरसा सिंह बलटोहा का, तीसरा नाम आता है जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी जो कि आज के समय तख्त दमदमा साहिब जी के जो जथेदार हैं, और चौथा नाम आता है श्री अकाल तख्त साहिब जी के जथेदार, और पांचवा नाम यहाँ पर आता है एसजीपीसी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का। आज के समय पंजाब के अंदर सिख धर्म के अंदर एक बड़ा बहुत बड़ा सियासी तूफान पैदा हो चुका है। इस सियासी तूफान को पैदा करने के पीछे विरसा सिंह बलटोहा और श्रोमणी अकाली दल बादल दल को जिम्मेवार बताया जाता है। पिछले समय के अंदर हम सभी ने देखा कि पंजाब के अंदर जो श्रोमणी अकाली दल है किस प्रकार से ये पार्टी हाशिए के ऊपर पहुंच गई। इस पार्टी के हाशिए के ऊपर पहुंचने के पीछे कौन कौन से बड़े कारण है सबसे पहले यहां पर मैं आपको यह बता देता हूं। डेरा सच्चा सौदा जो राम रहीम है इसके साथ श्रोमणी अकाली दल ने वोटों को लेकर साठगांठ की थी। इसके बाद श्रोमणी अकाली दल के जो प्रधान है इन्होंने गुप्त मीटिंग राम रहीम के साथ की थी। जो श्रोमणी अकाली दल बादल सरकार थी जिस समय कहते हैं हम पंथक सरकार है, सिख संगत जब बेअदबी के दोषियों के लिए सजा की मांग कर रही थी बैबल कला के अंदर सिख संगत के ऊपर गोली चलाई गई। इसके अलावा पंथक सरकार के ऊपर बीजेपी और आरएसएस के साथ मिले होने के भी दोष लगे हैं। लेकिन इसी मामले के अंदर आज के समय जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी को घड़ीसा जा रहा है और जथेदार ज्ञानी रघुवीर सिंह जी को भी इसी मामले के अंदर शामिल किया जा रहा है। विरसा सिंह बलटोहा निजी टिप्पणियां आज के समय के अंदर जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी के ऊपर कर रहे हैं। दोस्तों तख्त श्री दमदमा साहिब के जो मौजूदा जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी हैं जिन्होंने कल रात इस्तीफा दिया है उनके ऊपर विरसा सिंह बलटोहा ने कौन कौन से इल्जाम लगाए हैं सबसे पहले आप ये सुन लीजिए। दिल्ली सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह जिहड़े उस वेले बंगला साहब के हैड ग्रंथी ने हुण भी ने उन्हां दी रहायश ते बैठे सी 19 मार्च 2023 नूं ते उन्हां दी रहायश दे उत्ते ज्ञानी रणजीत सिंह हैड ग्रंथी गुरद्वारा बंगला साहब दे निजी घर दे विच उन्हां नूं मनजिंदर सिंह सिरसा जिहड़ा बीजेपी आगू आ उह मिलण आया। इह तुहाडा गुनाह है ते उहदी उहने सीसीटीवी जिहड़ी बाहर कोई कैमरा लग्गिया हैगा उहदी फुटेज जिहड़ी है इस दे विच पा के दित्ती है वी आ देखो वी तुसीं भाई रणजीत सिंह दी निजी रहायश ते जा रहे हो ते अद्धे घंटे बाद मनजिंदर सिंह सिरसा उत्थे आया। सिरसा कोई पंचों छेकिया नहीं है कोई उह तनखाइया नहीं है ते उहनूं मिलणा गुनाह किवें हो गया। दूजा उहने एक वीडियो इहदे विच पाई है जिहड़ी मैं प्रैस नूं जदों मैनूं अहुदे तों जिहड़ा उह सेवा मुक्त कीता सी इत्थे असीं बैठे सी ते मेरे नाल भाई रणजीत सिंह बैठे सी दिल्ली दे हैड ग्रंथी ते मैं उहनां नूं कहा सिंह साहब आ जाओ क्यों दूर हुंदे हो दिल्ली नाल तां साडी जा रही है। अज अमरीका दे एक परिवार दा पाठ दा भोग सी सोढ़ी साहब ते मैं हुण उहनां नूं कहिंदा अमरीका नाल जा रही है ते मतलब इह थोड़ी मेरी जो बाइडन नाल जा रही है घर जो कोई गुजरात दा ते मेरे नाल लिया जा। मैं कहिंदा गुजरातियां नाल तां मेरी लिया जा आ जाओ ते इहदा मतलब इह थोड़ी गुजरात दे मुख्यमंत्री नाल मेरी जा रही है। ਉਹ ਇਹਦੇ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਫੁਟੇਜ ਪਾਈ ਹੈ ਨੰਬਰ 2। ਤੀਜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਨ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਰਤਾਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਬੀਬੀ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਰਾਜੂਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਹੁਣ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਜਨਤਕ ਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 13 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾਈਆਂ ਉਹਨੇ ਇਸ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਿਆ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੱਲ ਤੱਕ ਸਭ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਜੇ ਸਾਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਪਾਈ ਆ ਉਹਨੇ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਕੋਲ ਹੀ ਆ। ਚੌਥਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ 26 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਜਵਾਨ ਫੜ ਲੈਣੀ ਹੈ।
ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਤੀਜਾ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚੰਦੂ ਮਾਦਰੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਵੀ ਚੰਦੂ ਮਾਦਰੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਪੜਾਈ ਜਾਣ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਬਣਨ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਲੌਜੀਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾ ਦੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਚੌਥਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ 1983 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਵਾਲੇ ਕਿਹਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜੇ ਸੰਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ ਉਹਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕਲਿੱਪ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਚੌਥਾ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸੀਐਸਐਫ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਸਕਿਉਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 4 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 4 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੈੱਡ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੈੱਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ 4 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਜੈੱਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ 9 ਜੂਨ ਯਾਨੀ 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੈੱਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜੈੱਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਫਿਰ 8 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੈੱਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਮੈਂ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੈਟਰ ਐਟ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੈੱਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਜੈੱਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਧਾਰਹੀਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਧਾਰਹੀਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਧਾਰਹੀਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੰਥ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਧਾਰਹੀਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਪਤਨ ਬੇਟੇ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੇ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਰਾਘਵ ਚੱਟੇ ਦੇ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਦੁਖਦੇ ਸੁਖਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਨ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤਾਕਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤਨ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੀ ਉਹਨੇ ਮੈਸੇਜ ਲਾਇਆ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀਆਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪੈਂਡਰ 'ਚ ਪਾਈ ਇੱਕ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਲਿਖਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਰਤਵਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂਆਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹ ਪੋਸਟ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਹੈ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਉਹ ਪੋਸਟ ਉਹਨੇ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹਜੇ ਇੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹ ਨੇ ਆਪਦੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਹੈ ਆਹ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਆਹ ਮੇਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਆਗੂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਹੋ दोस्तों विरसा सिंह वल्टोहा ने बेबुनियाद निराधार जो इल्जाम है वो जथेदारों के ऊपर लगाए लेकिन जथेदारों ने भी उसका स्पष्टीकरण दिया। कल श्री अकाल तख्त साहिब जी के जो मौजूदा जथेदार ज्ञानी रघुवीर सिंह जी है उनका भी एक बयान सामने आया जिसके अंदर उन्होंने सिख कौम को एक संदेश दिया था। यहाँ पर आपको मैं उनका ये संदेश भी सुना देता हूँ जिसके बाद आपको ये जो मामला है थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज शाम एक बहुत ही दुखदायी खबर टैलीविजन के माध्यम के राही और सोशल मीडिया के माध्यम के राही समुचे संसार में वसदिया हुई सिख संगत ने सुनी है पढ़ी है जो कि बहुत दुखी मन के नाल सिंह साहिब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी जथेदार तख्त श्री दमदमा साहिब तलवंडी साबो जिन्हों के बच्चों से परिवार से कमेंट करद हो गंदे जो शब्द सन वो वरते गए और जिस तो दुखी होकर इस जलालत तो दुखी होकर यानी हरप्रीत सिंह जी होर ने जो अपना अस्तीफा है वह जथेदार की पदवी तो दिता है और अपना उन्होंने अस्तीफा सोशल मीडिया के उत्ते वायरल किया और प्रधान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को भी उन्होंने अपना अस्तीफा भेजा है। जो टिप्पणियां उन्होंने कीतिया गई ने उन्होंने बच्चों से कीतिया गई ने परिवार से कीतिया गई ने ऐसी कल की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के भी कहा कि मेरे बच्चों तक की भी विदेशों के बरेखी की गई कि बच्चे कितने रेंगे ने की करते हैं उन्होंने कोल की है यह आप सरबत संगत ने सुनिया और उस शख्स वालों विरसा सिंह वटोवा के वालों लगातार कोई ना कोई पोस्टा पा के सिंह साहब जी जलील करने का जो यतन से वह बाद दस्तूर जारी हो जारी है। दास सेवादार श्री अकाल तख्त साहिब प्रधान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को यह आदेश करता है कि सिंह साहिब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी का जो अस्तीफा है
वह ना मंजूर किया जाए, वह मंजूर नहीं करना चाहिए। और ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी को अपील करता है कि वह अपने दिते हुए इस सेवा को अस्तीफे से मुड़ विचार जरूर कर। और जेकर ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी होरां दा अस्तीफा प्रवान किया जाता है तो फिर असीं सारे ही अपने इस अहुदे तो दास भी जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब जी की सेवादारी तो अस्तीफा देने वास्ते मजबूर होगा। पंथ के अंदर ऐसा घटनाक्रम शायद इतिहास के पहली बार वापरिया कि किसी जथेदार के परिवार के उत्ते इतनी वड्डी इल्जाम तराशी की गई है। किसी के परिवार का जो चीर हरण करने का जो यतन है वह किया गया। किसी के परिवार से किसी के बच्चों के धियां के उत्ते कोई गंदे कमेंट करने जड़े ने यह किसी सिख को सोभते नहीं, क्योंकि सिख तो ऐसी कौम है कि जो बेगानिया दी धियां जलमां के कोल छुड़ा के बाद इज्जत उन्होंने घर च पहुंचा के आया करते सन। तख्तों के जथेदार साहबाना के बच्चों के उत्ते इन्होंने इदा के गंदे कमेंट करने जड़े ने यह करने वाले कभी सिख नहीं हो सकते। सो मैं फिर दोबारा प्रधान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को आदेश जारी करदा कि ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी होरां दा जिहड़ा अस्तीफा है वह मंजूर ना किया जाए। तो ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी होरां नूं अपील करदा है कि वह दोबारा तो अपने अस्तीफे ते जरूर विचार करन। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह। जब विरसा सिंह विलटूहा ने बेबुनियाद और संगीन आरोप इल्जाम जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी के ऊपर लगाए थे और इसके बाद इन्होंने लाइव होकर जब अपना इस्तीफा दिया और इन्होंने क्या क्या बातें सामने रखी ये भी सुन लेते हैं। खालसा वाहिगुरू जी की फतह। मैं अपनी कौम नूं अपने पंथ नूं ये जानकारी देना चाहना कि विरसा सिंह विलटूहा जो लगातार सिंह साहबान के खिलाफ करतारकुशी कर रहा है उस खिलाफ कल श्री अकाल तख्त साहब तो पंच सिंह साहबान ने फैसला सुनाया। उस तो बाद भी वो लगातार हर घंटे करतारकुशी कर रहे हैं, खास तौर के उत्ते मैंने निशाना बना के, और हूँ उस वालों निचता दिया हदा जी पार कर दी गई। स्नेहे भिजवाए जा रहे हैं मेरे परिवार को नंगिया कर ली और मेरिया तियां तक फड़न ली, और यह गल बर्दाश्त तो बाहर है। और सब तो वड्डी गल कि उहदी पोस्ट बनाई श्रोमणी अकाली दल का सोशल मीडिया विंग कर रहा है, और श्रोमणी अकाली दल के वह लीडर जिन्हों टोनी टोनी कहा जाता है, जिन्होंने पंथक परंपरावान मर्यादावान का उका ज्ञान नहीं, वो उहदी पोस्ट बनाई कर रहे हैं। विरसे विलटूहे तो कोई असं डरन वाले नहीं है, और श्रोमणी अकाली दल के थर्ड क्लास के नेतावान का और सोशल मीडिया विंग वालों उहदी पोस्ट बनाई करना यह मन बहुत दुखी करता है। मेरी संस्था श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वह भी इस मामले खामोश है, और यहोजी पोजिशन असी खास तौर पर मैं तख्त साहब की सेवा नहीं कर सकती, क्योंकि जितने मैं जथेदार हाँ उत्तर धियां का प्यो भी हाँ। इसलिए मैं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान अपना अस्तीफा भेज रहा और उन्होंने कह रहा कि मेरा अस्तीफा प्रवान किया जाए। मेरी जात तक बरखी जा रही, मैंने थ्रैट किया जा रहा, गलत धंधे सुनेहे भिजवाए जा रहे, और यह निचता दियां हदां पार करनी है। इन्ना घटिया इन्ना थले विरसा सिंह गिरूगा कदे सोचा नहीं सी। मैं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का दिल दियां गहराइयां चों धन्नवाद करना जिन्होंने मैंने पढ़ाया, मैंने मुक्तसर साहब हैड ग्रंथी बनाया, मैंने पक्षी दमदमा साहब के जथेदार की सेवा सौंपी, और श्री अकाल तख्त साहब के कार्यकारी जथेदार की इस डाची चों सेवा सौंपी। सिख संप्रदावान जथेबंदियां धार्मिक सभा सोसायटियां ने मेरे सिर ते पग रखी, और मैं उन्होंने यह मान दे नाल कहना कि तुहाडी रखी पग नूं मैं बेदाग अपने घर लेके जा रहे हैं, दाग नहीं लगना था। जो पार्टी खुद को पंथक पार्टी कहती थी, जिस पार्टी ने सिख कौम की नुमाइंदगी करनी थी, वही जो पार्टी है वो सिखों के ऊपर गोलियां चलाने के अंदर कामयाब रही। दोस्तों यहाँ पर काफी भावुक इंटरव्यू और उनका जो प्रेस स्टेटमेंट था जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी का वो था। इन्होंने कल इस्तीफा दिया है, जथेदार ज्ञानी रघुवीर सिंह जी ने इनका इस्तीफा प्रवान नहीं किया, और ना ही जो SGPC श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है उन्होंने भी इस इस्तीफे को अभी तक प्रवान किया है। आज के समय के अंदर विरसा सिंह विलटूहा ने सिख कौम के जथेदारों के ऊपर जो संगीन आरोप लगाकर उनको दुनिया के सामने बेइज्जत करने की कोशिश की, जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी के ऊपर जो इन्होंने इल्जाम लगाए हैं वो तो बिल्कुल बेबुनियाद निकले। कहीं पर भी एक भी सबूत सामने नहीं आया जहां पर कि ये RSS और BJP के एजेंट हो या उनके साथ मिलकर काम करते हो। तो जथेदारों के ऊपर, सिख कौम के जथेदारों के ऊपर जो बंदे बयानबाजी कर रहे हैं, बिना बेबुनियाद बयानबाजी कर रहे हैं, तो उन लोगों को शर्म आनी चाहिए और उन लोगों को पूरी सिख कौम से माफी मांगनी चाहिए। आज सिख कौम के सामने एक ऐसी ससोपंज बनाकर विरसा सिंह विलटूहा ने खड़ी कर दी है जिसके अंदर पूरी सिख कौम के मन के अंदर तरह तरह के सवाल है कि कौन सही है और कौन गलत है। दोस्तों इस वीडियो रिपोर्ट के अंदर आपको किस प्रकार की जानकारी मिली कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो के अंदर हो सकता है मुझसे कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। यदि आपको लगता है कि कोई पार्ट वीडियो का गलत है तो उसके लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, हम उस पार्ट को वहां से हटा देंगे। तो मिलेंगे नए वीडियो के अंदर। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतह।